ये किस तरह हमारी लाइफ को प्रभावित करता है? ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है जी, और इसको हम अपने पूजा स्थल पे लगा सकते हैं। हमारी लाइफ को किस तरह इंपैक्ट करता है? कुछ लाइफ तो नहीं, वास्तु के हिसाब से। हाँ, वास्तु के हिसाब से। चलिए, मैं वही, जैसे आपकी एंट्री गलत होती है, जैसे भैया की ये लगाओ, इनका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप उपाय करोगे तो कितने पिरामिड्स लगाओगे? कार्ड रीडिंग के क्या चार्जेस हैं? नॉर्मल ज्वेलरी है या कुछ नक्षत्र वगैरह से रिलेटेड? अच्छा, क्रिस्टल ज्वेलरी। तो इससे कुछ फायदा होता है हमारे ग्रह नक्षत्रों में? क्या फायदा होता है बताइए ना हमें। नहीं, किस तरह के रुद्राक्ष होते हैं, उनसे फायदा क्या रहता है? एक मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का रूप माना जाता है। अच्छा, जिसका सूर्य कमजोर है उसको एक मुखी पहनना चाहिए। ढूंढ के ले आया हूँ एक और कमाल का इवेंट। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ प्रगति मैदान, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है नक्षत्र। ये 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक चलने वाला है। यहाँ की जो टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक की है। और बात करें यहाँ के एंट्री टिकट की, वैसे तो देखा जाए तो यहाँ का कोई एंट्री टिकट नहीं है, यहाँ का एंट्री टिकट एकदम फ्री है। लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारा बुक फेयर भी चल रहा है, तो वहाँ का जो एंट्री टिकट है वो 20 रुपये है, तो वो तो आपको लेकर आना ही पड़ेगा, बिना उसके वो आपको अंदर नहीं आने देंगे। तो एक तरीके से यहाँ का एंट्री टिकट 20 रुपये हो गया है। और बात करें यहाँ के अगर नियेस्ट मेट्रो स्टेशन की, तो वो हमारा सुप्रीम कोर्ट रहने वाला है, और जो पार्किंग है वो गेट नंबर 10 और 4 पर अवेलेबल है। तो ये हो गई बेसिक से डिटेल। चलिए आइए, अब मैं आपको थोड़ा सा इस इवेंट के बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा इवेंट है, ये बेसिकली ज्योतिष शास्त्र, रेखा शास्त्र, अध्यात्म, वास्तु शास्त्र और जो अलग अलग शास्त्र होते हैं उनसे रिलेटेड ये इवेंट है। तो अपनी इस वीडियो में यही सब जो है हम जाकर अंदर एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं भाई ये इवेंट हमारा कैसा रहने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे ही छुपी छुपी हुई नगीने वाली एग्जीबिशन आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाता रहता है। चलिए अंदर चलते हैं, इसको अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा हॉल नंबर 7ABC और 7E। तो यहीं पर अंदर जो है हमारी नक्षत्र एग्जीबिशन चल रही है। चलिए आइए, मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और जल्दी से अंदर से दिखाता हूँ। और ये देखिए सर, हमारे संदीप पाल द्वारका जी, आपने इनका चैनल देखा हुआ था, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी इनके साथ, मैंने आपको बताया भी था, मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं आपसे अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ। सो ये देखिए, ये रहा हमारा नक्षत्र इवेंट। चलिए जल्दी से अंदर एंट्री करते हैं और आपको अंदर से ये फटाफट से घुमाते हैं। वैसे ये बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन इस बार का पहले बार जैसे जो पिछले साल था उससे बड़ा है। तो चलिए पहले इधर की ओर चलते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मुख्य आकर्षण के केंद्र, आप पढ़ लीजिएगा, अध्यात्म, ज्योतिष, रेखा शास्त्र, वास्तु विज्ञान। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम एंट्री करते हैं, हमें कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर कार्ड रीडिंग होती है। कार्ड रीडिंग के क्या चार्जेस हैं? 2 questions, 600 rupees. अच्छा, मेरा भी एक हुआ है, एक और पूछना बाकी है। चलिए और आगे की और चलते हैं। तो ये हर जगह देखिए, यहाँ पर भी कार्ड रीडिंग हो रही है और जगह भी कार्ड रीडिंग्स वगैरह चल रही है। सबके अपने अपने अलग अलग प्राइजेस हैं। यहाँ पर भी कार्ड रीडिंग है। ये किस लिए है? कार्ड रीडिंग के लिए है। ये ऐसे ही डेकोरेट किया हुआ है। इसके अलावा ये आपको कुछ यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाएंगे। यार लास्ट टाइम जो मैंने यंत्र देखे थे ना, वो मुझे ढूंढने हैं और देखने हैं। ये नॉर्मल ज्वेलरी है या कुछ नक्षत्र वगैरह से रिलेटेड? नो, दिस इज प्योर क्रिस्टल ज्वेलरी। अच्छा, क्रिस्टल ज्वेलरी। यस। तो इससे कुछ फायदा होता है हमारे ग्रह नक्षत्रों में? ऑफ कोर्स। क्या फायदा होता है बताइए ना, हमें नहीं पता है। ओके, दिस इज
एक्चुअली क्या होता है, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी को ग्रास्प करते हैं और नेगेटिव एनर्जी को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तभी लोग पायरेट को, जैसे आप देख रहे हैं कि पायरेट है, ये अबंडेंस और वेल्थ का क्रिस्टल माना जाता है, ठीक है। अगर आप पे कोई कर्जा हो, भगवान ना करे, मतलब एक समझाने वाली बात है कि अगर कोई कर्जा हो या फिर आप चाहते हैं कि आपके पास वेल्थ अबंडेंस बहुत ज़्यादा हो, तो पायरेट को घर में रखने से, या अपने गमलों में, जैसे ये डस्ट है हमारे पास, डस्ट भी है इसकी, ठीक है, इस तरीके से आप फ्रेमिंग भी आपने देखा होगा तो दीज आर द फ्रेम्स ऑल्सो। तो इसके अंदर आप अपने फोटोग्राफ्स को रख के, या फिर आप अपने गमलों में, जैसे मैंने आपको बताया, एनीथिंग, या फिर आप ज्वेलरी मेरी तरह पहन सकते हैं। सो किसी भी तरह से आपके आसपास पायरेट हो, ठीक है, और जैसे पायरेट के बड़े बड़े ट्रीज भी हैं या छोटे ट्री भी आप रख सकते हैं, ऐसे ही अदर क्रिस्टल्स भी नेगेटिव एनर्जी को डिसॉल्व करते हैं। इसकी प्राइसेस क्या है? दिस इज बेसिकली 6 रुपीज पर ग्राम है। अच्छा। हाँ, और 10 रुपीज पर ग्राम भी होता है, 15 भी होता है, 3 रुपीज भी होता है, जितना आप लेना चाहे उतना ले सकते हैं। बेसिकली क्वालिटी पे होता है, हर माइंड से जब चीजें निकलते हैं उसमें क्वालिटी होता है। वेरी थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी हमें। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और आगे से आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर वो द्राक्ष वगैरह भी मिल रहे हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैम थोड़ा सा द्राक्ष के बारे में बताइए, कितने तरह के होते हैं? अच्छा भैया, प्लीज कम हियर, थोड़ा सा द्राक्ष के बारे में बताइए, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या यूज रहते हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बताइए। जर्नी विदाउट वीजा, आप थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा जल्दी। आप चैनल कौन सा चैनल? जर्नी विदाउट वीजा। जर्नी विदाउट, नमस्कार जी, हमारा हमारे पास 1 से लेकर 21 मुख्य तक सारे रुद्राक्ष आपको मिल जाएंगे। हमारे पास आपको रुद्राक्ष की मालाएं मिल जाएंगी। किस किस तरह के रुद्राक्ष होते हैं वो तो दिख रहा है आपके पास, सब मिल जाएगा। किस किस तरह के रुद्राक्ष होते हैं, उनसे फायदा क्या रहता है? एक मुखी रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष भगवान शिव का रूप माना जाता है। अच्छा। जिसका सूर्य कमजोर है उसको एक मुखी पहनना चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष शिव पार्वती का रूप माना जाता है। जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसकी शादी की बात को दिक्कत आ रही है ना, और अगर घर में कोई मनमुटाव है उसके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अगर आपके हेल्थ में कोई दिक्कत है, 3 मुखी में स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, 3 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, 8 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। आपको आत्मबल बढ़ाना है, 11 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। आपने कौन सा पहना हुआ? ये पहना हुआ 5 मुखी रुद्राक्ष का स्पेशल दाना है। अच्छा। ये मेडिकेटेड 5 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। वो जो आप बता रहे हैं 5, वो दिखाइए जरा, किस तरह से हम जान सकते हैं 5 है? 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी। ये इसके प्राइस क्या रहते हैं रुद्राक्ष के? मतलब रुद्राक्ष के प्राइस होते हैं 50 रुपए से लेकर 50 लाख तक। 50 लाख सबसे आपके देख रहे हैं 5 मुखी देख रहे हैं, वो 50 रुपए का मिल जाएगा आपको। 21 मुखी देख रहे हैं ना, वो 50 लाख का मिलेगा। वो 50 लाख का मिलेगा। वो है आपके पास? हमारे पास है। दिखाएंगे आप? नहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं रख सकते ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये भैया का स्टॉल लगा हुआ है, भैया ने आपको रुद्राक्ष के सारे फायदे बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं लेना तो आप आइए और ले लीजिए। ये लीजिए, ये हमारा रुद्राक्ष, हमारा नाम, कंपनी का नाम है रुद्राक्ष। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप है, इसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये पीछे देखिए, ये मेरा एड्रेस है, 2/185 सुभाष नगर, नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ के आप देख सकते हैं। हाँ, मतलब यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ये कराई ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए हमें, एक बार रुद्राक्ष नाम से सर्च कीजिए। ठीक है भैया, अगर आप चाहते हैं रुद्राक्ष लेना तो ले सकते हैं। अभी इधर की तरफ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सिर्फ जो कार्ड रीडिंग्स वगैरह है और रेखा शास्त्र वगैरह है। तो चलिए अब हम अगले हॉल में चलते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या खास है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा हॉल नंबर 7 ABC। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, वहाँ छोटा सा था, यहाँ पर थोड़े बड़े लेवल का है। तो देखते हैं थोड़ा यहाँ पर। हेलो सर, ये आपके पास कौन से स्टोन्स, कौन कौन से हैं ये? नीलम, सारे तरीके के। इनका फायदा क्या रहता है, हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है इनको पहनने से? मेनली हमारे प्लैनेट एनहांस करने के लिए होते हैं, जो उनसा आपका अच्छा प्लैनेट होता है वो एनहांसमेंट करने के लिए होता है। ये हम पता कैसे चलेगा कि कौन सा हमारे कंफर्टेबल है? उसके लिए डेट टाइम प्लेस बहुत चाहिए होता है। अच्छा अच्छा, वो सब चाहिए होता है, आप निकाल के दे देंगे कि ये आपको सूटेबल रहेगा, आप ये पहनिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ ये आप कार्ड रीडिंग करते हैं? हाँ। क्या प्राइस है सर? 150 पर क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ कार्ड रीडिंग्स वगैरह है और ये स्टोन्स हैं सब। हाँ, तो स्टोन्स के बारे में जैसे कि अभी मैंने पीछे भी दिखाया, तो यहाँ पर भी आपको स्टोन्स मिल जाएंगे।
जो डिटेल्स देनी होती है वो दीजिए और जो आपको सूटेबल होगा वो ले लीजिए। यहाँ पर भी स्टोन्स वगैरह हैं, यही सब है। अंकल थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे ये क्या है और किस तरह ये हमारे जो लाइफ है उसको। ये महालक्ष्मी गोमती यंत्र है। महालक्ष्मी गोमती यंत्र है ये, इसमें ये गोमती के ये लगे हुए हैं। देखिए ये किस तरह हमारी लाइफ को प्रभावित करता है। ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है जी। और इसको हम अपने पूजा स्थल पे लगा सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं। और ये सिद्ध यंत्र है, देखिए इसमें ये श्री यंत्र बना हुआ है जिसमें 14 तल होते हैं, नीचे गोमती पूरा गोमती बना हुआ है ये देखिए। ठीक है, उसके प्राइस क्या है इसके? ये 250 रुपये का है, सिर्फ 250 रुपये का। और ये क्या है? ये पेंसिल है, क्रिस्टल पेंसिल है। क्रिस्टल पेंसिल है ये, उसमें काम आती है रेकी में, जो रेकी करते हैं, हीलिंग करते हैं, उसमें ये पेंसिल काम आती है। और ये स्टोन्स वगैरह जो हैं, ये अलग अलग स्टोन्स हैं सर। ये एमेथिस्ट में है, ये ग्रीन एवेंचुरिन है, अलग अलग स्टोन्स हैं, रोज क्वार्ट्ज में है, अलग अलग स्टोन्स हैं। ये सब हमारी लाइफ को कुछ इफेक्ट करते हैं इसके तरह? बहुत करते हैं सर। जैसे ये बुध को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, ये शनि को रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग स्टोन आपकी अलग अलग राशियों पे, अलग अलग कुंडली पे प्रभावित करते हैं। ये हमारे मालिक हैं, ऑनर हैं कृष्णा के। थैंक यू सर। तो हर चीज़ में ऐसा होगा। सो यहाँ पर स्टोन्स वगैरह मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप आएँ और खुद ही ज्ञान लें तो देखिए यहाँ पे ज्ञान का भंडार है। यहाँ पर आप बहुत सारी बुक्स हैं जो आप परचेज कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। चलिए ये राम मंदिर की प्रतिमूर्ति है, ये एक अलग चीज़ है। ये क्या चीज़ है? ये एक पावर सेवर कार्ड है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को 15-20% तक रिड्यूस करता है। हम अभी सिर्फ ये कवर कर रहे हैं, हमारा अभी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट इन सब यंत्रों में है, इन जो स्टोन्स हैं उनमें हैं, इन सब में है अभी हमारा इंटरेस्ट। क्योंकि जो एक्सपो है नक्षत्र, उसको उस हिसाब से ही हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए हर जगह वैसे ये मोस्टली स्टोन्स वगैरह मिल रहे हैं। मैं वो यंत्र ढूंढ रहा हूँ लास्ट टाइम वाले जो मुझे दिखे थे। अभी एक ही यंत्र मैंने आपको दिखाया है, ऐसे ही यहाँ पर और अनेकों यंत्र आपको मिल जाएंगे। ये देखिए ये स्टोन्स में लॉकेट बनाया हुआ है। क्या प्राइस है इसके? 40 रुपीज़। अच्छा 40 रुपीज़। और ये कौन से स्टोन में है? बहुत सारे स्टोन में। ठीक है, चलिए और आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए मोस्टली यहाँ पर स्टोन्स वगैरह ही हैं। मैं जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ अभी तक तो मुझे वो नहीं मिली है। देखिए ऐसे यहाँ पे कार्ड रीडिंग चल रही है, आप कार्ड रीडिंग कर सकते हैं, अपना हाथ दिखा सकते हैं। आपको अगर अपना भविष्य जानना हो तो ये बोटल्स वगैरह है, ये देखिए आप हाथ देखते हैं। मैं देख, मेरे असिस्टेंट देख। अच्छा ओ, तो उनके चार्जेस क्या हैं? चार्जेस जो है ना, एक क्वेश्चन के 100 है, अगर डिटेल में जाना तो 500। थैंक यू। जो लास्ट टाइम मैंने यहाँ यंत्र देखे थे ना वो अभी तक नहीं मिले। ये बुक्स हैं यहाँ ज्योतिष वगैरह को लेकर, वास्तु शास्त्र को लेकर, अध्यात्म को लेकर, यहाँ पर वही सब रिंग्स वगैरह हैं वही स्टोन को लेकर के। ये देखिए। हेलो भैया कैसे हैं? भैया हमें थोड़ा सा बताइए इसके बारे में क्या चीज़ है और किस तरह वर्क करती है। अब दिखा देंगे निकाल के बाहर, हम बताएंगे थोड़ा सा लाउड। मार्केट में ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। ये हमारी लाइफ को किस तरह इम्पैक्ट करता है? कुछ लाइफ तो नहीं, वास्तु के हिसाब से। हाँ वास्तु के हिसाब से। चलिए मैं वही, जैसे आपकी एंट्री गलत होती है, जैसे भैया की ये लगाओ, इनका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप उपाय करोगे तो कितने पिरामिड्स लगाओ? एक ही उपाय है, कलर थेरेपी तो मानी नहीं जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में राहु आ गया, नॉर्थ ईस्ट में तो प्रॉब्लम होती है।
तो इसके ये उपाय बनाए गए, ये आपको तीन प्लेट लगाए उसमें और ये एनर्जीज बिल्कुल चारों तरफ से प्रोवाइड है, चारों तरफ इसके पिरामिड है। तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी जो टॉयलेट में बिल्डअप हो रही है नॉर्थ ईस्ट में, उस एनर्जी को ये वहीं के वहीं रोक के रखता है। तो पॉजिटिव एनर्जी खराब नहीं होती उसमें, नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ती और ये उसे वहीं के वहीं रोक के रखता है। इसके प्राइस क्या है? इसका प्राइस वैसे एक्चुअली अभी आपको ये रेट पे मिल रहा है कम, 3400 मार्केट में। ये भी और लगते हुए आप निकाल के दिखाएंगे थोड़ा सा बड़ा वाला, ये भी सेम वर्क है? हाँ जी, हर डायरेक्शन पे अलग कलर की प्लेट लगी। अच्छा अच्छा, जैसे हर डायरेक्शन के हिसाब से, जैसे किचन में साउथ ईस्ट में किचन है, साउथ वेस्ट में आपका गैस स्टोव आता है जो कि होना नहीं चाहिए, वो आपके घर का पैसा खाता रहता है, अपॉर्चुनिटीज खत्म होती रहती है। तो ये कलर्स लगाए गए हैं इसमें अलग अलग टाइप का स्टोन, जिसकी वजह से वो एनर्जीज गैस स्टोव की आप वहीं के वहीं बांध के रख सकें। इसके क्या प्राइस है? इसका एक्चुअली ऑर्डर पे बनता है, इसके प्राइस अभी डिस्क्लोज नहीं है। अच्छा अच्छा, ये किसके लिए है, ये कौन से एनर्जी के लिए, क्या वास्तु खराब हो जाए अगर? हाँ जी, कौन सा वास्तु खराब हो जाए तब यूज होता है? नॉर्थ ईस्ट का हो गया, नॉर्थ वेस्ट का हो गया, नॉर्थ का हो गया, ये सब ये देख सकते, ये सारी डायरेक्शन में लग सकता है। ये क्रिस्टल की जो प्लेट है ना, ये देखिए, ये जो क्रिस्टल की प्लेट है ये हर डायरेक्शन में लग सकता है। ये जो प्लेट्स हैं ये लिमिटेड है, लिमिटेड, ये आप हर एरिया में नहीं लगा सकते। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी हमें। ये ऑयल्स वगैरह हैं पेन के लिए, और देखते हैं। नहीं, ये हम हो चुका है, इधर की तरफ जा चुके हैं। वैसे मुझे लगता है अब देखता हूँ किधर की ओर चलना चाहिए, इधर की ओर चलते हैं, शायद मैं इधर की ओर नहीं गया हूँ। और ये देखिए यहाँ पर शेख खरीदारी कर रहे हैं, शेख्स। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैफ हालकुम? अहला व सहला, अहला व सहला, कैफ हालक? तो ये थे अरब के शेख। आपको मालूम नहीं होगा, इस बार जो हमारा सऊदी अरब है वो बुक फेयर का मेन पार्टनर है। चलिए और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर, इस तरह आप अपना भविष्य जान सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला आपको एक घंटा घूम के, मैंने आपको बोला एक घंटा घूमिए, उसके बाद मुझे बताइए कि क्या सब वगैरह हैं। सो लास्ट टाइम जो मुझे यंत्र यहाँ देखने को मिले थे वो नहीं देखने को मिले, कुछ नए यंत्र यहाँ देखने को मिले हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिए हैं। देखिए यहाँ पर आपको शिवलिंग भी मिल जाएगा, इसके अलावा ये वाला यंत्र मैंने आपको दिखा दिया है। और ये पिरामिड भैया बताएंगे किस काम के लिए? ये क्रिस्टल पिरामिड है। हाँ, ये किसी तरह हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं? हाँ। किस तरह बताइए? वास्तु के हिसाब से रखने से मकान के अंदर रखते हैं, वास्तु के हिसाब से, वास्तु जो स्क्वायर भी होता है वो मतलब नेगेटिविटी बार फैक्टर है। और ये क्या है? ये सेलेनाइट प्लेट है, ये वाली। हाँ हाँ, ये पंजा में रखते हैं, सेलेनाइट प्लेट अंदर राम भगवान, जो भी नई मूर्ति बनी है राम भगवान की, कार्विंग किए हुए, गोल्डन कलर किया हुआ। ठीक है, बाकी मुझे यहाँ वो यंत्र नहीं मिले, मेरे ख्याल से मैं ऑलमोस्ट ये कवर कर चुका हूँ। तो ये हमारा पूरा नक्षत्र फेयर है जो आप देख सकते हैं एक्सपो। ये क्या है? हैंगिंग है। इसमें कौन सा स्टोन है? तुरमुलिका। ये किस काम आता है? नज़र माटे हैं, नज़र माटे, नज़र नज़र ना लगे। हाँ। क्या प्राइस है इसके? 100 रुपया।
100 रुपया। ये छोटा वाला ये भी 100 रुपया, 100 रुपए का टांग दीजिए, आपको ये बुरी नजर से बचाएगा। इसके अलावा और क्या क्या आपके पास खास है? अच्छा, ये फेस मसाजर है, गोवा सा है। नहीं, मसाजर नहीं, जो हमारे जीवन को इम्पेक्ट करता है वो चीजें बताओ मेरे को। ये सब सब इस जीवन का इम्पेक्ट करते हैं। अच्छा, ये पाइन स्टोन है। अच्छा, ये किस काम आता है? ये मणि स्टोन है। मणि स्टोन है, कुबेर यंत्र बोलते हैं। अच्छा, कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र क्या प्राइस है इसका? वो पूरा पैकेट है 700 रुपये का। 700 रुपये का पूरा पैकेट, ठीक है। चलिए मैं आपको और कुछ देख के दिखाता हूँ। भैया भैया थोड़ा सा इनके बारे में बता देंगे? ये रखे हुए, हाँ ये जो रखे हुए हैं, ये जो है, ये किस काम आते हैं? सीयंत्र है, मनी के लिए। किसके लिए? पैसे के लिए। हाँ, अपना सपना बताइए बताइए, बताओ भाई बताओ। चलो सीयंत्र इसके बारे में बताइए, मतलब किस तरह ये हमें फायदा पहुँचाएगा? ये श्री यंत्र है जी, ये लक्ष्मी यंत्र बोला जाता है अपने शास्त्र के अंदर। ये श्री यंत्र का बहुत महत्व है, तो ये जो क्रिस्टल में बना हुआ है, तो क्रिस्टल बोलेंगे तो हिंदू धर्म के अंदर सबसे पवित्र स्टोन्स बोला जाता है। जैसे इसका शिवलिंग है, श्री यंत्र है, उसका बहुत वैल्यू है। और लक्ष्मी यंत्र बोलते हैं, इसकी पूजा करने से लक्ष्मी आती आती है। वैसे ही हमारे पास शालिग्राम है, जो शालिग्राम में रामलला का मूर्ति बना है, रामलला का जो मूर्ति बना है ना, वो शालिग्राम पत्थर में से बना है, वो पत्थर भी है हमारे पास। दिखाएंगे शालिग्राम? यस, देखिए देखिए, ऐसी जगह आते हैं ना तो ऐसा ही ज्ञान मिलता है आपको, और ऐसी ऐसी चीजें ही आपको देखने को मिलती हैं। ये देखिए, आइए ये देखो, शालिग्राम पत्थर है, ये देखो नेचुरल है, पूरा नेचुरल है पूरा। इसकी प्राइस क्या अंकल? इसकी प्राइस होगी 162,000। और इसके? इसका भी 51,000। थैंक यू अंकल। देखिए तो ये ऑलमोस्ट हम जो पूरा हमारा नक्षत्र है ये हम कवर कर चुके हैं। ये थी हमारी नक्षत्र एक्सपो, जो कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको दिखाई है, घुमाई है, जितनी मैं डिटेल ले सकता था मैंने आपको लेकर दी है। पिछली बार जो मैंने यंत्र देखे थे, इस बार मेरे को नहीं मिले। मैंने बहुत अच्छे से ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन इस बार मुझे कुछ नई चीज़ें देखने को मिली, एक्सप्लोर करने को मिली हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर आ सकते हैं, आपको कुछ ऐसे यंत्र या स्टोन्स वगैरह लेने हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक दे देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी दूसरी जगह किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहें मेरे साथ।